नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूं कि किस तरह से आप जनरल स्टडीज और करंट अफेयर के पोर्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं एक प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे उससे पहले एक आपकी एक सफिशियंट प्रैक्टिस हो सके, और आप जब एग्जाम में इस तरह की जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है प्रेशर वाली, उस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करिए, चेक करिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, और वीडियो के एंड में जब ये क्लास खत्म होगी तब आपको स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही अटेम्प्ट करा, और फिर बाद में ये चेक करिए कि आपके प्रिपरेशन किस लेवल पे जा रहा है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, क्वेश्चन आपसे ये है, ये फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इन इंडिया। हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक की रिकवरी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भी कौन सा ये टर्म्स जो आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जिसे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भी ये साइन है हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमी के रिकवर होने की। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी COVID-19 की वजह से हर जगह लॉकडाउन हुआ हुआ है, लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अनलॉकडाउन की प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपके लिए ये है कि इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन, यानी कि जीएसटी का अगर कलेक्शन इंक्रीज हो जाए तो इससे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इंक्रीज इन रेलवे फ्राइट ट्रैफिक, यानी कि रेलवे के पास जो किराया भत्ता जो वगैरह जो ढुलाई का पैसा आता है, ठीक है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। थर्ड आपसे बोला जा रहा है डिक्रीज, देखिए सब में इंक्रीज बोला गया, इसमें डिक्रीज बोला जा रहा है, डिक्रीज इन पेट्रोलियम कंजम्पशन, इनकी पेट्रोल प्रोडक्ट जो होता है उसके कंजम्पशन में अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये किस साइन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पावर डिमांड, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है कि उसकी डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो ये किस चीज को साइन आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो ये चार डिफरेंट स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपसे एंड में पूछा जा रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब आपके पास ये कोड है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या है, यानी कि आपको ये बताना है कि इकोनॉमी के रिकवर होने के साइन इनमें से आपको कौन कौन से लगते हैं। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि थर्ड को छोड़ करके, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल फोर, यानी 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों के चारों साइन आपको लगते हैं इकोनॉमी के रिकवर होने के। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, चलिए अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही साइन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सॉरी फोर्थ, ये क्या है, ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है आफ्टर COVID-19 लॉकडाउन के बाद। और इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट जो आपको ये वाला दिया हुआ है, जिसके अंदर आपसे ये बोला है डिक्रीज इन पेट्रोलियम कंजम्पशन, पेट्रोलियम कंजम्पशन अगर डिक्रीज होगी इट मींस हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो गया करना, काम मशीनरी वगैरह काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये होता है। बल्कि अगर ऐसा होता, इंक्रीज होता पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंजम्पशन, तब हमें लगता है कि भी इकोनॉमी अभी एक्टिव मोड में है, यानी कि थर्ड को छोड़ करके बाकी जितने भी स्टेटमेंट है ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर हम बात करें कि इकोनॉमी के रिकवर होने की बात करें, ठीक है। तो अभी क्या है कि सीसीआई, ठीक है, करेक्ट आंसर तो आपका सी हो गया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी जो हमारी कंट्री में सीसीआई का मतलब ये है कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इनके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट ये आया है कि हमारी कंट्री COVID-19 लॉकडाउन के बाद वी शेप में रिकवर हो रही है, यानी कि जैसे लॉकडाउन हुआ था इकोनॉमी डाउन गई थी, अब ये दोबारा इंक्रीज हो रही है, यानी ऊपर की तरफ आ रही है, रिकवर कर रही है। और ये कैसे हमें प्रिडिक्ट कर पा रही है सीसीआई, ये प्रिडिक्ट कर पा रही है कि रेलवे का जो फ्राइट ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जीएसटी का कलेक्शन वो इंक्रीज हो गया है, उसके बाद पेट्रोलियम कंजम्पशन ये इंक्रीज हो गया है भाई, ठीक है, और पावर डिमांड जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है, ठीक है, वो भी अपने पीक पर है। तो ये सारे सिंबल जो आपको जो दिख रहे हैं ये हमारे इकोनॉमी को रिकवर होने के सिंबल्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपसे बोला गया कि पेट्रोल प्रोडक्ट जो डाउन जा रहा है, ये स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और एक बात और, हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड में भी बड़ा फायदा हो रहा है हमें, और हमारे जो हार्वेस्ट है बिल्कुल बंपर हार्वेस्ट हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, और ये किसकी वजह से, मानसून की वजह से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि टाइगर सेंसस जो हमारी कंट्री में होता है उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है, और आपसे 2018 के सेंसस टारगेट टाइगर सेंसस के से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे दिया गया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर, यानी एमपी मध्य प्रदेश की बात की जा रही है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है देयर हैज बीन डिक्लाइन इन द टाइगर पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़, यानी कि एमपी का जो पड़ोसी स्टेट है छत्तीसगढ़, इसमें ये बोला जा रहा है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डाउन हो रही है। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ वन टू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, नॉट टू, यानी कि इन दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। यहां भी आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ना एक और लिखोगे ना दो। ठीक है, तो आप बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी का मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एमपी के अंदर यानी मध्य प्रदेश में टाइगर पॉपुलेशन काफी हाई लेवल पे है और सबसे ज्यादा है हमारी कंट्री में। यहाँ पे जो रिकॉर्ड की गई है वो 526 पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस 2018। उसके बाद कर्नाटका का नंबर आता है जहां पे 524 टाइगर है, और उसके बाद उत्तराखंड का आता है, और उत्तराखंड में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसकी अगर हम बात करें टाइगर की वो है 442। ये तो बात उन स्टेट की होगी जहां पे टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं जहां टाइगर पॉपुलेशन डाउन हुई है, जहां कम हुई, जिसके अंदर सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड, और नेक्स्ट है उड़ीसा। यानी कि ये तीन ऐसे स्टेट है जो टॉप से टॉप जो कर रही है, बॉटम से कर रही है, नीचे से टॉप कर रही है। यानी कि सबसे कम टाइगर पॉपुलेशन हमारी कंट्री में छत्तीसगढ़ में, उसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद उड़ीसा के अंदर। अच्छा, तो इस हिसाब से आपका ये हो गया, जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा सी हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आप ये कुछ और भी चीजें याद रख सकते हैं, जैसे कुछ बेसिक फैक्ट जहां पे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, कुछ और भी चीजें कि इस सेंसस के अंदर कुछ डाटा और भी सामने आया है, वो ये है कि आउट ऑफ 50 टाइगर रिजर्व, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो 50 टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें ये देखा गया कि भी मिजोरम के अंदर दंपा टाइगर रिजर्व, बंगाल के अंदर बक्सा टाइगर रिजर्व, और इसके अलावा झारखंड के अंदर पलामू टाइगर रिजर्व, ये तीन ऐसे टाइगर रिजर्व है हमारी कंट्री के अंदर जहां आज की डेट में एक भी टाइगर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सारे टाइगर खत्म हो चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े कंसर्न की बात हमारे लिए हो गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, ये बताना है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन का जो सेंसस होता है ये कब कब होता है, यानी कि कितने टाइम के की गैप के बाद ये सेंसस कंडक्ट किया जाता है, और कौन करवाती है इसका सेंसस, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां आपके पास ये हेल्थ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है, जिसमें ये पूछा जा रहा है हेपेटाइटिस इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, जो प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस बीमारी हमारे अंदर होती है, ह्यूमन बॉडीज के अंदर फैलती है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इंडिया हैज बीन डिक्लेयर फ्री फ्रॉम द हेपेटाइटिस बी, यानी हेपेटाइटिस बी जो एक डिजीज है हमारी कंट्री को 2018 में फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है इस बीमारी से। ये दो स्टेटमेंट है, अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमारी कंट्री में हेल्थ का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, तो अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो आप ऐसे तुक्का मार के भी सही बोल सकते हैं, सर ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। यानी कि ये जो बोला गया ना आपको 2018 में हमारी कंट्री हेपेटाइटिस बी डिजीज से फ्री डिक्लेयर कर दी गई है 2018 में, ये बात बिल्कुल गलत है। ये तो आप लोग क्लियरली गैस कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी के बहुत ज्यादा केस हमारी कंट्री के अंदर है। तो फ्री किसको डिक्लेयर किया उसको जान लेते हैं, यानी कि आप ये समझ गए होंगे सेकंड स्टेटमेंट गलत है और ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो आपसे बोला गया कि भी हेपेटाइटिस जो डिसीज है ये हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है उसकी वजह से होती है। वो कैसे होती है, वो
इरिटेशन और स्वेलिंग की वजह से, इरिटेशन और स्वेलिंग की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर सेल में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो ये हेपेटाइटिस हमारी बॉडी में फैल जाता है और हमें ये डिजीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की। तो सेकेंड स्टेटमेंट में जैसे आपको बोला गया कि हमारी कंट्री को 2018 में हेपेटाइटिस बी डिजीज से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है WHO के द्वारा, एक तरह से बोले ये बिल्कुल गलत है। बल्कि स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि भाई हमारी कंट्री नहीं बल्कि हमारे जो नेबर कंट्रीज है जिसके अंदर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड, यानी कि छोटी छोटी कंट्री है, ये चार ऐसी कंट्री है एशिया के अंदर जिसे WHO ने हेपेटाइटिस जो डिजीज है हेपेटाइटिस बी से इसे फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। और 2016 में ये टारगेट रखा गया है, 16 में ये टारगेट रखा था कि भी 2030 आते आते, कब तक 2030 आते 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 हम लोग क्या करेंगे वर्ल्ड लेवल पर हेपेटाइटिस बी को इलिमिनेट कर देंगे प्रॉपरली, ये WHO का टारगेट रखा गया है। जिसकी वजह से भी आपने कई सारे टीवी वगैरह पे एड देखते होंगे कि हेपेटाइटिस बी से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, डायबिटीज वगैरह ये सब जो बीमारी होती है इससे कैसे बचें। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जिसको अक्सर आपसे पूछा जाएगा, यानी कि जो भी कुछ कई बार अवेयरनेस एड आते हैं आपके पास उसको आपको पूरा देखना है क्योंकि उससे भी काफी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है और ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात और कहूंगा, अगर आप वीडियो अभी भी लाइक नहीं किए आपने तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट तैयार कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे शॉर्ट में FDI बोला जाता है, इसके रिगार्डिंग में आपको बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रख दे, FDI के बारे में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है FDI डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर्स विद कंट्रोल ओवर द बिजनेस, यानी कि FDI इन्वेस्टर को बिजनेस के ऊपर कंट्रोल करने का राइट प्रोवाइड नहीं करता है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि द 100% FDI इज परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द एविएशन सेक्टर, यानी एविएशन सेक्टर की बात करें, यानी कि जो फ्लाइट वगैरह जो एयर की बात करें हम, उधर ये बोला गया कि 100% FDI परमिट की गई है हमारी कंट्री के अंदर ऑटोमेटिकली। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ वन टू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं FDI की। तो FDI की मीनिंग जैसे कि आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपनी कंट्री को छोड़कर, यानी कि अपनी कंट्री के बाहर, यानी कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को छोड़कर बाहर से अगर कोई इंडिया में कोई मनी इन्वेस्ट करता है उसे हम FDI बोलते हैं। ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, जैसे मैं आपको प्रिपरेशन कराने के लिए वीडियो लेके आता हूँ आपको बूस्ट मिलता है, वैसे आप समझ लीजिए FDI आप क्या करती है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती है और हमें फॉरेन से यानी कि बाहर से जो अमेरिकन डॉलर में करेंसी हमें रिसीव होते हैं जिससे हम बाकी और इकोनॉमी एक्टिविटी को रन कर पाते हैं। तो FDI आने का हमें बेनिफिट ही होता है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये करनी है आपको कि जैसे आपको ये बोला गया कि भी ये इन्वेस्टर को यानी कि जो ये पैसा लगा रहा है उसे कंट्रोल मिलता है नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जब तक वो हमारी कंट्री में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, अगर बिजनेस में उसे कंट्रोल ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा, फिर वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। इट मीन्स ये हुआ कि भी FDI अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है हमारी कंट्री के अंदर तो उसे बिजनेस में कंट्रोल मिलता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है जो आपको बोला गया कि नहीं मिलता है, ये गलत हो गया। अच्छा उसके बाद आप बात कर लेते हैं कि भी 100% जो आप बोला गया कि 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है FDI एविएशन सेक्टर में, नहीं एविएशन सेक्टर में 100% अलाउड नहीं है। अगर हम ऑटोमेटिक बात करें तो ऑटोमेटिक इसके अंदर ओनली 49% तक इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है, लेकिन ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट होती है, ठीक है, यानी कि आप जानते हैं फ्लाइट एक इंटरनेशनल फ्लाइट होती है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तरफ मूव करने के लिए होती है, लेकिन जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट है डोमेस्टिक फ्लाइट में ये बोला गया कि 100% इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड, यानी कि इन्वेस्टमेंट कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट में प्रॉपर स्टेटमेंट आपको करेक्ट नहीं दिया गया था, स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है, यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट में तो अलाउड है बट इंटरनेशनल फ्लाइट में अलाउड नहीं है। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो
कि भी एनआरआई या वगैरह जो है ठीक है उनको तो अलाउ कर दिया गया है कि भी वो डोमेस्टिक वगैरह में अलाउ कर सकते हैं, लेकिन एक शेड्यूल जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है उसके अंदर अलाउड नहीं है। इट मीन्स ये हुआ सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये काफी न्यूज में रहता है अक्सर, जब भी इलेक्शन वगैरह होगा तब ये न्यूज में अपने आप बन जाता है, यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा ही जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पॉलिटी में बनता ही बनता है। इलेक्शन का टाइम आएगा उस टाइम अगर कोई एग्जाम हो रहे हैं तो उसके आसपास अगर कोई एग्जाम शेड्यूल हो गया आपका तो उस टाइम ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें भी आपको दो स्टेटमेंट दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है इसके अंदर। ठीक है चलो एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट अप्लाइड व्हेन टू थर्ड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी डिसाइड टू मर्ज विद अनदर पार्टी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी, मैं एग्जांपल से बताता हूं, सपोज आपके पास एक एक्स पार्टी एक वाई पार्टी है, ठीक है ये मेजोरिटी में पार्टी है, और इसके टू थर्ड का मेंबर या मान लीजिए इसके पास टोटल 60 सीट है, ठीक है, और इसके पास मान लीजिए 20 सीट है, यानी कि टोटल हमारे जो टोटल सीट कितनी होगी 80 सीट है, ठीक है, और गवर्नमेंट बनाने के लिए एटलीस्ट 41 सीट की जरूरत होती है। तो यहां पे टू थर्ड का मतलब ये हो गया कि भाई टू थर्ड का मतलब ये 40 सीट हो गया, ठीक है। तो इस 60 सीट के अंदर जो भी सीट के अंदर अगर 40 सीट के जो लोग हैं वो अगर किसी दूसरी पार्टी यानी कि वाई पार्टी में मर्ज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि अब यहां पे कितनी हो जाएगा, यहां पे अब 60 हो गया, ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा, अब यहां पे बन गया, बच गया आपके पास 20 बच जाएगा, यानी कि ये मेजोरिटी में आ जाएगी, ये गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये बोला गया कि अगर कोई पार्टी छोड़ के जाता है ये तो भाई उसे डिस्क्वालीफाई करता है, ये रूल है हमारे यहाँ, लेकिन ये बोला जा रहा है कि अगर टू थर्ड अगर मेजोरिटी अगर उठ कर किसी दूसरी पार्टी के साथ डिसाइड करती है कि ज्वाइन करने के लिए तो इसे एंटी डिफेक्शन लॉ में अप्लाइड नहीं होता है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट जो होता है हमारी कंट्री, यानी वाइस प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द अपर हाउस। अपर हाउस यानी किसकी बात की जा रही है, राज्यसभा की बात की जा रही है। तो यानी कि राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसमें अंदर यह बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारी कंट्री का वो डिसाइड करता है कि भी किसको डिस्क्वालिफाई करना है या नहीं करना है, ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आप बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसका। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट ओनली वन करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ओनली टू करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है सी में, और डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक्स और वाई दो पार्टी है और एक्स से अगर कोई क्या नाम है टू थर्ड मेंबर अगर दूसरी पार्टी में जाके मर्ज करते हैं तो ये अब जब 2003 में जब ये एक्ट आया था में जो अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि आप ये बोल सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ 2003 में तब इसे एंटी डिफेक्शन लॉ में थोड़ा बहुत चेंजेस ये कर दिया गया कि अगर टू थर्ड के अगर पार्टी के जो मेंबर हैं वो दूसरी पार्टी में मर्ज करना चाह रहे हैं तो उसे अलाउड कर दिया जाएगा और इसे डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड इसका नहीं बनाया जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा अगर हम बात करें राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस भी बोला जा रहा है तो यहां पर क्या होता है जो चेयरमैन या स्पीकर जो हाईएस्ट जो होता है वो कौन होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी जो होती है वो होती है वाइस प्रेसिडेंट होता है। यानी कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट अगर कोई सिलेक्ट होता है हमारी कंट्री के अंदर वो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है अपर हाउस यानी कि राज्यसभा का वो हेड हो जाता है, वो चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि राज्यसभा के अंदर किसी को डिस्क्वालिफाई करना है किसी भी मेंबर को तो वो डिसाइड कौन करता है, वो चेयरमैन डिसाइड करता है। चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री का। अच्छा आपके लिए छोटा क्वेश्चन एक और रहेगा, आपको ये और बताना है कि हमारी कंट्री के अंदर वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारी कंट्री का, आपको ये बताना है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी बताना है आपको और साथ के साथ जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है आपको ये भी बताना है। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स सेट प्रिपरेशन को आप अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और हाँ कमेंट जरूर करिए, अगर आपको अभी आंसर मालूम है तो अभी कमेंट करिए, अदरवाइज थोड़ा सा स्टडी करके दोबारा बाद में भी कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा, अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।